हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के पांच ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आपको व्हाट्सएप चलाने में और मजा आएगा। दोस्तों, हो सकता है इनमें से कुछ सेटिंग के बारे में आप जानते हों, लेकिन ये गारंटी है कि आप सभी सेटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, और कुछ सेटिंग तो ऐसी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप व्हाट्सएप की पूरी सेटिंग कर पाएं और अपने व्हाट्सएप को और मज़ेदार बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। तो चलिए पहला सेटिंग देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सेटिंग देखने के लिए सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप में कई ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप में कई तरह के लोग होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी गंदी फोटो वीडियो ऐसे भेजते हैं। जब हम डाउनलोड करके उस फोटो या वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद वो फोटो या वीडियो हमारे गैलरी में डायरेक्ट चला जाता है, और जब भी हमारा कोई गैलरी ओपन करता है वो उसके सामने दिखाई देने लगती है, तो ऐसे में बहुत समस्या हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी का सलूशन बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप में आए हुए वीडियो या फोटोज को जो गंदी हैं उनको आप कैसे छुपा सकते हैं, यानी गैलरी में जाने से कैसे उनको रोक सकते हैं। जो व्हाट्सएप में आपके वीडियो या फोटो आएंगे आपके व्हाट्सएप में ही रह जाएंगे, आपके गैलरी में नहीं जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसी को छुपाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए अपना व्हाट्सएप ओपन होने के बाद ऊपर में 3 डॉट है, उस पर चले जाइए। उसके बाद सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर चैट है, चैट में चले जाइए। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर खिसकाइए, यहाँ देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है शो मीडिया इन गैलरी। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए टिक मार्क है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है। जब आप इसको अनटिक कर देंगे तो आपके व्हाट्सएप में कोई भी वीडियो या फोटो आता है तो उसको यदि आप डाउनलोड करके देख भी लेते हैं तो आपके गैलरी में वो शो नहीं होगा, वो केवल आपके व्हाट्सएप में ही रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास ग्रुप का ही आपको वीडियो या फोटो को हाइड करना है, तो उसके लिए उस ग्रुप या उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट के प्रोफाइल पे यहाँ पे टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे देखिए यहाँ पे उसका प्रोफाइल खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मीडिया विजिबिलिटी, इसमें क्लिक कर दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, डिफ़ॉल्ट नो पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे नीचे दिया हुआ है नो, इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, और ओके कर दीजिए। इसको नो करने से दोस्तों होगा ये कि केवल इस कॉन्टैक्ट का ही जो वीडियो या फोटो आएंगे उनको आप डाउनलोड करके तो देख लेंगे, लेकिन ये आपके गैलरी में शो नहीं होंगे। दोस्तों, ये सेटिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप इस सेटिंग को कर देते हैं तो आपकी प्राइवेसी बरकरार रहती है। आपके परिवार के सदस्य या आपके परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। वे जब भी आपका मोबाइल लेंगे और आपकी गैलरी को ओपन करेंगे तो उसमें कोई भी वीडियो या फोटो उस तरह की दिखाई नहीं देगी। तो ये सेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, दूसरा सेटिंग देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप में कई ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट होंगे जो आपके व्हाट्सएप पे कई तरह के फोटो वीडियो या मैसेज फालतू के भेजते रहते हैं। आप उससे परेशान हो जाते हैं और आप उसको क्या करते हैं कि पूरा पूरा डिलीट कर देते हैं। उसमें दोस्तों होता यह है कि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट फोटो हो, वीडियो हो, या कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज हो, वो सब डिलीट हो जाते हैं। जब आप इसको पूरा सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो सब डिलीट हो जाएंगे, और आपको एक एक सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा और आपको इससे परेशानी होगी। तो दोस्तों, व्हाट्सएप में एक ऐसा सेटिंग है जिसके जरिए आप किसी कॉन्टैक्ट के या किसी ग्रुप के जितने भी चैट हैं एक एक करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। वो भी चुन सकते हैं कि केवल आपको फोटो डिलीट करना है, या केवल वीडियो डिलीट करना है, या कोई टेक्स्ट मैसेज डिलीट करना है। उसके अनुसार आप उसको सेलेक्ट करके आप पूरा का पूरा एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, आपको पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। उसके बाद 3 डॉट है ऊपर में, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेटिंग में चले जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है डेटा एंड स्टोरेज यूजेज, इसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरे नंबर पर दिया हुआ है स्टोरेज यूजेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट या ग्रुप होंगे वो सब आपके सामने शो हो जाएंगे। मान लीजिए मैं इस कॉन्टैक्ट के जो भी मैसेज हैं उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट मैसेज को रहने देना चाहते हैं, केवल फोटो, GIF, वीडियो, ऑडियो इसको डिलीट करना चाहते हैं,
तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज मैसेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सब पे यहाँ पे देखिए टिक मार्क है, लेकिन जिसको आप चाहते हैं कि इस मैसेज को हमें डिलीट नहीं करना है तो उसको आप अनटिक कर दीजिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज रहे, तो इसको मैं क्या करूँगा, अनटिक कर दूंगा। उसके बाद देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में क्लियर मैसेज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है क्लियर आल, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ जो टेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे 39 था वो तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे फोटो में 0 हो गया, GIF में देखिए 0, वीडियोज में 0, ऑडियो में 0। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी ग्रुप का या किसी कॉन्टैक्ट का जो मैसेज है, ऑडियो वीडियो या फोटो या टेक्स्ट मैसेज, उसके हिसाब से आप उसको डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में। आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार, और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सेटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप यूज करें। दोस्तों ये थी दूसरी सेटिंग, चलिए हम तीसरा सेटिंग देख लेते हैं। तीसरा चौथा और पांचवा सेटिंग देखने के लिए आपको दूसरे पार्ट को देखना पड़ेगा। दोस्तों अभी अभी मैंने जिन दो सेटिंग को बताया थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और ये वीडियो और लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।